नमस्कार दोस्तों, बबलू पूनिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो मैं वीडियो लाया हूँ वो जो कल हमारे यहाँ पे बहुत ही हैवी तूफान आया था शाम के टाइम, तब तो अंधेरा हो गया था, मैं वीडियो नहीं बना पाया। आप देख सकते हैं ये कोई ज़्यादा तगड़ा ईंक नहीं है, लेकिन ईंक को पूरा नष्ट नाबूद कर दिया। बहुत ही नुकसान है किसान भाइयों को, और ये देखो पूरा ईंक गिरा पड़ा है दोनों तरफ से। अगर ये 3 दिन में ना बंधी तो ये बैंड ले जाएंगी, इससे जो है इसके वजन पे फ़र्क पड़ेगा। और बैंड लिया हुआ ईंक जो होता है गिरा हुआ, उसे ठेकेदार भी छोलने में बहुत ही अन्नाकन्नी करते हैं, तो वे भी रेट बढ़ाऊंगे और बंधाई का भी खर्चा बढ़ेगा, तो एक हिसाब से बहुत खर्चा बढ़ेगा। ये ट्वेल के चारों तरफ भी गिरी पड़ी पिड्डी सब। इधर ये गहरा खेत है तीवर सा, ये भी पड़ा है। उधर हमारे जो थे ये हमने वैसे बो रखे थे, आपने देखा होगा, जिन्हें वो बोल देते हैं कौन सी विधि है वो, गोल गोल गड्ढा करके रिंग पिट मेथड। ये रिंग पिट मेथड के पेड़ थे हमारे यहाँ पे, ये भी आप ढह गए, तो इसका मतलब काफी हैवी तूफान था। ये खेत जो है ढह पड़ा है बिल्कुल, ये देख सकते हैं यहाँ पर। ये ट्रंच वाला तो है, इसका तो धोरा धोरा सा गिरा, अभी सीधा खड़ा है बछरी। इस साइड में जान इसकी में ज़्यादा कुछ नहीं। ये जो है इधर तिवरसी की पेट भी थी हमारी, ये भी पूरी लोटम लोट है मामला इसका। ये ट्रंच चल रहा है, ट्रंच में इतना ज़्यादा खास नुकसान नहीं है, तिरछा हुआ है मिडना, धोरे धारे पे कुछ ज़्यादा सरन सी थी वहाँ को तो निकल गया। जैसे ये पड़े कुछ गन्ने यहाँ पर। ये दूसरा खेत है दोस्तों, ये तिरछा हो गया यहाँ पे जो है ये वाला। इसकी सिंगल मेड की जो है आज हमने बंधाई शुरू करवा दी, मगर भाई इसका और तो कोई तरीका है ही नहीं बिल्कुल भी। आप इसके सिंगल सिंगल मेडे बांध दो तभी रुक पाओगे, नहीं तो ये भी गिर जाएगा, फिर मट्टी वट्टी तो ऐसी लगेगी क्योंकि जुताई हो नहीं पाई, कोई यंत्र नहीं था हमारे पास में इसका। ये रहा, लग रहा है हमारा एक परमानेंट है ठेकेदार सुमरू, वो बेचारा बांध देता है, कोई टेंशन नहीं है उसे, बस फोन करने की ज़रूरत है। देखो जैसे इन्होंने पूरा खेत ठा दिया, सिमाड़ दिया एकदम। दोस्तों ये हमारा तिबरसा खेत है, तीसरे की पिंडी, ये लंबा खेत है, काफ़ी बड़ा है वहाँ तक। देखो इसका कितना बुरा हाल है, इधर से उधर बुरा। बस अगर ये पड़ा रहा है तो इसका वजन ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल, तो इसे सिमड़वाऊँगे, लेकिन आज पहले बोर्ड सिमड़वा दें और उसके बाद में जब समय मिलेगा तभी इसे करवा देंगे। दो आदमी हैं वे सुमरू चाचा भतीजे, वो बेचारे अपने हिसाब से बांधते रहेंगे, जहाँ भी उन्हें जितना समय मिलेगा वो 2-4-5 दिन में इसे सारे को अच्छे से कर देंगे। अब उधर चलते हैं ट्रंच की खेत की तरफ, कैसा बांध रहा है। देख सकते हैं दोस्तों आप, गन्ने की मोटाई इसकी काफ़ी मोटा है, गन्ना पूरा ढल्लू गन्ना है मान लो।
अगर इसकी हम तो मट्टी समय पर हम चला देते तो हमें इसकी बंधाई की ज़रूरत नहीं पड़ती बिल्कुल भी। अब ये पहले इसके दो दो खूड़ बांध देंगे क्योंकि रास्ते में पड़े, नहीं तो कोई बुग्गी ट्रैक्टर वाला इन्हें तोड़ देगा बचाने के चक्कर में। आज जैसे ये बन जाएंगे फिर इसका पूरा खेत कवर हो जाएगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, गन्ना ही गन्ना है खेत में एक तरफ से। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ट्रंच का गन्ना काफ़ी हैवी तगड़ा खड़ा है। एक का खूड इसका बंधवाना पड़ेगा। ये तो तिरछा हो गया है, बंधाई का काम चल रहा है हमारा बढ़िया बिल्कुल। हमारे दो हैं जवान सुमरू बिंदर बिंदर, हेलो बोल भाई अपना हेलो। ये बिंदर है, बहुत ही मेहनती लड़का है, और ये इसके चाचा हैं सुमरू। सुमरू भैया राम राम। देखो कितनी उम्र है, लेकिन सुमरू शाम तक कितनी बांध दो तुम अगर ठीक खेत हो? ठीक खेत बांध दोगे 3-4 बीघे तो बन ही जाएगा। 3-4 बीघे दोस्तों, ये बहुत ही मेहनत का काम है। आप देख सकते हैं जैसे दोनों लग रहे हैं। उम्र कितनी होगी होगी भैया थारी? जी 65-66। इनकी उम्र जो है 64-65 साल है, लेकिन इनका जो शरीर नहीं गिरा आज तक भी। इसका मेन कारण यही है कि ये जो है बंधा काम करते हैं, पूरे दिन लगे ही रहते हैं। ये तो मुझे लगा अब बढ़ गए और रोटी खाने निकलेंगे, पानी वानी पीने निकलेंगे 10-5 मिनट को, सोना मिलता नहीं। और पूरे सीजन जो है बहुत ही दबा के ईंख का काम करते हैं। और दोस्तों ये काम जो है मेहनत का है। बहुत लोग कहते हैं हमारे यहाँ तो ये रेट है वो रेट है अपना, और समय पे पैसा नहीं देते। मजदूर का पैसा समय पे देना चाहिए अपना, जब आपकी फसल का ध्यान रख रहे हैं। दोस्तों आज जो है ट्रंच वाले की बंधाई करवा दी हमने। इस बार जो है गन्ना गगड़ा ज़्यादा गया क्योंकि इस खेत की ज़्यादा गहरी जुताई हो रही थी, इस वजह से तो कुछ हम पे मट्टी कम चढ़ी खेत में। लेकिन दोस्तों मट्टी का भी कोई भानना नहीं होता कि मट्टी चढ़ी वो चढ़ी, ये परमात्मा की ताकत है। अभी 5-7 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी, उसमें तूफान चल रहा था, उन्होंने स्विफ्ट गाड़ी के दो पलटे कर दिए। बताओ जो 10 क्विंटल की गाड़ी के 2 पलटे कर दिए तो ईंख की तो क्या बिसात है। ये तो एक बात करने का ऐसा ही है इनके ऐसा। पिछले साल 4-5 साल हो गए होंगे जब 27 मई को ऐसा तूफान आया था। हाँ आगे मेरे बात ध्यान, 27 मई 2013 की बात है। ऐसा तूफान आया था कि मतलब हमारे क्षेत्र के कोई ट्वेल का जोड़ा, कोई खम्बा और कोई पेड़ ऐसा बचा होगा जो उनने पाड़ा ना तोड़ा ना हो। हमारी लाइन वगैरह सब डबल पड़ी थी। यहाँ सरण है, जैसे देखो आप देख सकते हैं इस धोरे पर कुछ ज़्यादा तेजी निकल गई तो इसमें कुछ गिर गया। ये देखा होगा आपने, ये धोरा गिर गया। कहीं कहीं कुछ ज़्यादा है, कहीं कहीं कुछ कम है। ये खेत आज बन जाएगा कुछ बाद में। देखो ये वाला बिल्कुल कम गिरा है, इसमें धोरे को तो हवा में जो था एक झोंका टाइप था, जहाँ जहाँ कुछ ज़्यादा झोंका है वहीं गिर गई, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं थी। ये देख सकते हैं आप इसकी मोटाई कितनी जबर है गन्ने की। गन्ना इसमें बिल्कुल सॉलिड है। गाना था ना वो सॉलिड बॉडी रहे, वो वाला है बिल्कुल। अगर सर गन्ने को तोड़ के किसी के मार दें तो ये तो केस करवा देगा, इतना सपिंड है। जैसे कोने का मिड्डा गिरा, ये तिबर सी पिड्डी का था, ये इधर था जुड़े में कि ये गिरा और दूसरे ये कोई से भी नहीं गिरे। ये छोटा नहीं आ रहा है बाजरे का एडवांटा। ये वाले में कोई कोई मिड्डा गिर रहा है, एक दो ज्यादा नहीं गिर रहे। और इसमें भी अंदर गिर रहे हैं कुछ मिड्डे।
तो आज हाथ निकल जाएगा दोस्तों, अपने खेतों में जो है अपने बंधैयाओं को जो रूस रहे हैं उन्हें मनाओ और अपना खेतों में हाथ निकलवाओ फटाफट। जो एक दो मिड्ढे गिर रहे हैं कुछ अपने आप भी मेहनत करो, फटाफट उठा दो उन्हें। ये हमारा 45 है, मैं गोबर लेकर आया था, अब निहार लेके जाऊंगा। अब ये खेत और है परत दोस्तों, और देख करता हूँ क्या से चल रहा है उसका मामला। दोस्तों यहाँ पे जो है काफ़ी मिड्ढे पड़े हैं, उधर तक आप देख सकते हैं, आगे तक जाने का रास्ता है ही नहीं बिल्कुल भी, परले चक पे नाली वगैरह पे पड़े हैं। अब मैं ठेकेदार को बोल लूँगा, मगर भैया पहले रास्ता बना दे फिर बीच बीच में अंदर बांधता रहिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी दोस्तों ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।